दिल्ली में नीट मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जानकारी मिल रही है कि प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें संसद के सदन से एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तो सांसद फूलो देवी नेताम की तबीयत बिगड़ गई अचानक और सांसद फूलो देवी नेताम को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें संसद भवन से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक ले जाया गया, जहां सदन की कार्यवाही के दौरान उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी। मेरे को तो ये सब नहीं पता, चक्कर आ गया, मैं गिर गई। बता रहे हैं कि बीपी बहुत बढ़ गया था। चार चार पाँच पाँच घंटे तक नीट पे चर्चा कराओ करके सदन में विपक्ष का मुद्दा रहा। बाकी क्या पता कितना समय एम्बुलेंस ले आए और हॉस्पिटल ले आए। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक।